हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कॉलेट सिस्टम दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कॉलेट सिस्टम का यूज़ करके सेंटर ड्रिल या ड्रिल लगाते हैं कंपोनेंट में। तो आज मैं आपको स्पेशली दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी अगर लेंथी पीस को, किसी भी लंबे पीस को पकड़ना है तो उसमें क्या हमें टेलीस्टॉक का सपोर्ट चाहिए। बिना टेलीस्टॉक, बिना सेंटर के सपोर्ट के आप किसी भी लंबे पीस को, जिसकी लेंथ ज़्यादा हो, उस पीस को आप बना नहीं पाएंगे। और अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें समस्या आएगी, चैटरिंग की समस्या, टेपर की समस्या, ओवल्टी की समस्या, फिनिशिंग की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी। तो आपको क्या करना है, किसी भी लेंथी पीस को बनाना है तो सेंटर ड्रिल का यूज़ करना है। काफ़ी मैंने देखा है बहुत जगह पर ड्रिल लगा देते हैं सिंपली, तो ड्रिल लगाना गलत है, ठीक है। अगर आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है और टॉलरेंस में पीस बनाना है, क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो आपको ड्रिल यूज नहीं करना, यू हैव टू यूज सेंटर ड्रिल। ओके, तो सेंटर ड्रिल को पकड़ने का हमारे पास सिस्टम क्या है, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके का हमारे पे सिस्टम है, कॉलेट सिस्टम है ये पूरा। इसमें क्या होता है कि हम कॉलेट यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉलेट है और ये देखिए, ये भी हमारे पे सेम, बिल्कुल दोनों चीज हमारे पे ये सेम है, ये अलग अलग है, ये दो मशीनों का है हमारे पास। और ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेट सिस्टम है, किसके लिए है ये, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर को पकड़ने के लिए। क्योंकि कभी अगर मैं सेंटर ड्रिल लगाना है तो 10 mm का सेंटर ड्रिल भी हो सकता है, 8 mm का हो सकता है, 10 का, 12 mm का, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या, हमें ये अलग अलग हमारे पास कॉलेट सिस्टम है। अभी जो है मैं आपको थोड़ा सा ना जूम करके दिखाता हूँ, जिससे आप ये देख पाएंगे ध्यान से। आइए, और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि सारे जो है ये अलग अलग साइज को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। ये देखिए आप, ये अलग कॉलेट है, ये कॉलेट जो है आपका 6 से 5 mm पकड़ने के लिए है, ठीक है। और सबसे छोटा पकड़ने के लिए देखिए, ये है हमारा, ये पकड़ेगा आपका 5 से 4 mm का, 5 to 4 mm के लिए ये है। ओके, ये किसके लिए है, 13 से 12 mm पकड़ने के लिए, 13 to 12। ओके दोस्तों, ये कितने को पकड़ने के लिए, ये है आपका 15 mm पकड़ने के लिए, ठीक है, 15 mm पकड़ने के लिए। और ये देखिए, इसमें आप ड्रिल भी पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, इस तरीके से जो है आपका चकनेट खुल जाता है, मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये देखिए, ठीक है ना। इसमें अभी एक सेंटर ड्रिल हमारा लगा हुआ है, ओके। अब ये सेंटर ड्रिल जो है, अब हम क्या करेंगे, इसे खोलेंगे तो क्या करेंगे, चकनेट को खोलेंगे ऐसे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको हम कॉलेट को भी यहां से निकाल देंगे। अब मैं इसे रख देता हूं यहां पे, इसमें से सेंटर ड्रिल निकाल लो पहले, ठीक है। ये सेंटर ड्रिल आपका निकल चुका है, अब हम इस कॉलेट को ही बाहर निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कॉलेट हमारा निकल गया। अगर अब हमें कोई दूसरे साइज का, हमें ये वाला साइज चाहिए, हमें तो ये फिट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये वाला लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं आप। और डिफरेंट डिफरेंट साइज है हमारे पास, ठीक है ना। आप जिस साइज का लगाना चाहें उस साइज का लगा सकते हैं। इसका साइज जो है, इसका सेंटर ड्रिल का साइज कुछ और है, इसका साइज कुछ और है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइज है। ये देख लिए, ये एंड मिल कटर है हमारे पास, ठीक है ना। ये एंड मिल कटर होता है, एंड मिल कटर को भी पकड़ने के लिए जो है हमारे पास यही सिस्टम होता है मशीन पे। तो ये एंड मिल कटर भी आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो है देखिए, ये ड्रिल है, और ये मैं आपको बता दूं, ये कार्बाइड का ड्रिल है, ये सिंपल ड्रिल नहीं है ये, ठीक है, ये हार्ड मटेरियल के लिए होता है। तो हमें कोई भी अगर पकड़ना है तो क्या होगा, हमें उसके साइज का क्या है, कॉलेट चाहिए होगा। तो इसके लिए देखता हूं मैं कौन सा कॉलेट सही होगा हमारे लिए, ये कॉलेट आ गया, ठीक है। अगर मुझे ये यूज करना है, ये फिलहाल ड्रिल है, यहां पे मैं सेंटर ड्रिल की बात कर रहा हूं, तो ठीक है, मैं सेंटर ड्रिल ले लेता हूं। ये देखिए, ये सेंटर ड्रिल है मेरा, ठीक है। इस सेंटर ड्रिल को क्या करेंगे, हम पकड़ लिया, ठीक है, ये सेंटर ड्रिल हमने इसमें फिक्स कर लिया। अब हमें इस कॉलेट की आवश्यकता नहीं है, इस कॉलेट को हम बाहर निकालेंगे और इसको हम यहां लगाएंगे अब, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें असेंबल कर देंगे इसको। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, हमें सेंटर ड्रिल को पकड़ लेना, और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेट्स है हमारे पास।
तो ये सिस्टम हमें बना के चलना होगा। और मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर दिखाता हूं कि किस तरीके से हमें सेंटर ड्रिल को, हमें क्या चीज है, किस तरीके से प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। आइए अब व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। तो बिना टेल स्टॉक के सपोर्ट के क्या है, कोई भी लेंथी पीस, कोई भी लंबा जो कंपोनेंट है उसे बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम कोई लंबा पीस बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें चैटरिंग की समस्या आती है, चैटरिंग आ जाएगी या उस पर टेपर आ जाएगा आपका, तो काफ़ी इस तरीके की काफ़ी सारी समस्या हो सकती है, ओवल्टी भी हो उस पर। तो उसके लिए हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें सबसे पहला होता है कि उस जो कंपोनेंट है, जो वर्कपीस जो हमें बनाना है, उस पर सेंटर ड्रिल लगाना है। क्या लगाना है? सेंटर ड्रिल। एक होता है ड्रिल और एक होता है सेंटर ड्रिल। तो इसमें ड्रिल नहीं लगाना अगर पीस आपको ज़्यादा अच्छे से बनाना है। तो अगर बढ़िया कंपोनेंट आपको बनाना है, अच्छे एक्यूरेसी में आपको बनाना है, देन यू मस्ट यूज द सेंटर ड्रिल। आपको सेंटर ड्रिल ही यूज करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ आज बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि सेंटर ड्रिल हमारा किस टाइप का है, किस तरीके के क्वालिटी में हम उसे पकड़ेंगे। तो वो सारी जो एक्सेसरीज है, वो सारा जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगा। पहले मैं थोड़ा आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा देता हूँ कि हमें किस तरीके से सेंटर ड्रिल को लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी जो पीस होगा, कोई भी कंपोनेंट हमारा होता है, तो क्या होता है, कंपोनेंट हमारा कोई भी हमारा वर्क पीस है, ठीक है। तो ये जो वर्क पीस है, इस वर्क पीस में क्या होता है, सिंपल ड्रिल लगा देते हैं हम। ड्रिल लगाएंगे तो कैसा होल बन जाएगा, इस तरीके से होल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का होल बन जाएगा। तो ये गलत है, हमको ये काम नहीं करना। हमें क्या करना है, हमको ये चीज ना बना के हमें क्या करना है, यहां पे हमें सेंटर ड्रिल लगाना है। और सेंटर ड्रिल में आपका क्या होगा कि यहां पे एक इस तरीके का काउंटर बन जाता है आपका। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहां पे एक काउंटर बन गया, टेपर बन गया आपका। तो ये टेपर होना जरूरी है। और ये टेपर कितने डिग्री का होगा, ये होता है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये टेपर जो है, ये टेपर आपका 60 डिग्री का होगा, तो आपको ये मेंटेन करना होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए इस सेंटर ड्रिल से क्या है, सेंटर ड्रिल से ये काउंटर बन पाएगा। ये जो टेपर है, ये टेपर किससे आप मेंटेन करेंगे, सेंटर ड्रिल से। और सेंटर ड्रिल कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का आपका सेंटर ड्रिल होता है। तो ये जो काउंटर है, ये वाला जो काउंटर मैंने अभी आपको दिखाया, ये ठीक है ना, हमें ये टेपर चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और ये किस में होगा, ये 60 डिग्री में होगा। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, ये इस तरीके से बना हुआ है। जब सेंटर ड्रिल लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये होल अंदर ऐसे बना देगा और ये आपका काउंटर लगा देगा, ये वाला। ठीक है, तो ये काउंटर लगाना हमारा क्या है, जरूरी है यहाँ पे। तो काउंटर को लगाना मेंटेन हमें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें टेपर चाहिए, क्योंकि इसी टेपर टू टेपर मैच होके कोई पीस का जो हमारा जो पकड़ है, जो उसकी जो क्लैंपिंग है, वो ज्यादा मजबूत बन पाएगी। ठीक है, तो ये आपको लगाना, ये क्या है हमारा, ये कहलाता है हमारा सेंटर ड्रिल। ठीक है, तो सेंटर ड्रिल यूज करना आपको। इस सेंटर ड्रिल में दोस्तों क्या है, ये आप देखेंगे कि ये जो काउंटर बना हुआ है, जब ये इसमें ड्रिल हम लगाएंगे, ये सेंटर ड्रिल हम यूज करेंगे, तो ये काउंटर बन जाएगा आपका। ठीक है, और ये जो हमारा एंगल बनता है दोस्तों, वो कितना होता है हमारा एंगल, 60 डिग्री होता है ये हमारा। ठीक है, तो आपको अगर लेंथी पीस बनाना है, बड़ा कंपोनेंट अगर आपको बनाना है, तो आपको सेंटर ड्रिल लगाना है। अगर सेंटर ड्रिल आप लगा लोगे ना अच्छे से, अगर ये आपका ये वाला जो टेपर है, ये टेपर साइज अगर आप यहां मेंटेन कर लोगे, तो क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम जो है 80% जो है 80% वहीं खत्म हो जाएगी, अगर आपने सेंटर ड्रिल लगा रखा है। क्योंकि ये 60 डिग्री का जो बना हुआ है, ये 60 डिग्री जो है यहाँ पे आपके वर्क पीस के ठीक सामने बन जाएगा। और बाद में जो आपका टेल स्टॉक यूज करोगे, तो वो टेल स्टॉक यहाँ पे इजीली यहाँ पे सेट हो जाएगा, जिससे आपके कंपोनेंट को जो है वाइब्रेशन नहीं आएगा। ओके, अब दोस्तों, अब मैं आपको ये चीज दिखा दिया मैंने आपको प्रैक्टिकली जो है, आपको मैंने सेंटर ड्रिल भी दिखा दिया, क्वालिटी भी दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी आते हैं अलग अलग सेंटर ड्रिल को पकड़ने के लिए।
और दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, ट्रेनिंग भी होती है। अगर आपको आके यहाँ पे सीखना चाहते हैं, अपने हाथ से करना चाहते हैं कि हम अपने हाथों से करके देखें चीज़ों को, कोई अगर दिमाग में डाउट है, अगर वीडियो में समझ में नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ पे आके आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने हाथों से भी करके देख सकते हैं। और दोस्तों आप ये देख लीजिए ध्यान से, इस तरीके से ही आपको फॉलो करना है।